हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं तो आप लोगों को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ ऑटोमेटिक आयरन फार्म का। तो गाइस, इस फार्म से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट क्या कहते हैं आयरन मिलेगा। तो हाँ गाइस, ये 1.19 में भी वर्क करता है और अदर वर्जन में भी वर्क करता है। तो और गाइस, अगर आप लोगों का भी सर्वाइवल वर्ल्ड है तो गाइस, आप लोगों को ये फार्म बहुत काम आने वाला है और अच्छा भी लगेगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? और गाइस, अगर अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज़ गाइज। और अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर ज़रूर से शेयर करना है प्लीज़ गाइज। आई होप आप करोगे करोगे। तो हाँ गाइज, तो गाइज आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या है, 5x5x5 होल्ड कर लेना है। 3 4 5 1 2 3 4। तो गाइज ये 5 हो चुका है, 2 3 4 और 5। तो गाइज ऐसे कर दिया अपन ने, अपन ने 5x5 का एक होल कर देना। आप देख सकते हैं ये 5x5 का होल हो चुका है। और इसके बाद अपन को इसको डिलीट करना है 9 ब्लॉक्स। तो गाइज पहला तो यही है, फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट और ये 9। तो गाइज ये 9th हो गया। इसके बाद मैं एक और खोद रहा हूँ ताकि अपन को पता तो रहे कि अपन को कहाँ कौन सा ब्लॉक खोद रहे हैं। तो भाई इसके बाउंड्री कर देता मैं, सही लगे थोड़ा सा। तो गाइस ऐसे करके मैंने बाउंड्री कर दी है। अब मैं इसको पूरे 9 ब्लॉक्स तक डिग करके मिलता हूँ आपको। तो गाइस मैंने इसे 9 ब्लॉक्स तक डिग कर लिया, आप लोग देख सकते हो। गाइस फिर अपन को इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे करके और इसे पूरा ऐसे खोद देना जैसे मैं कर रहा हूँ। देख लो, देख लीजिए ऐसे 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 करके अपन को ये पूरे चारों साइड है और चारों साइड में अपन को ऐसे पूरा ऐसे होल कर देना ऐसे करके ऐसे। देख सकते हो गाइस ऐसे करके आप अपन को पूरा ऐसे डिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ अब अपन को इतना करने के बाद अपन को यहाँ पर अब बैट्स लगाने हैं। टोटल अपन को यहाँ इस जगह 20 बैट्स लगाने गाइस। तो ऐसे करके अपन 20 बैट्स लगा देंगे। आगे 3 बैट्स, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर हो जाएगा ये 7 8। तो गाइस अपन ने यहाँ पर 8 बैट्स लगा देने ऐसे करके, फिर 9 10 11 12 13, फिर उसके बाद 14 15 16 17 18 और यहाँ पर 19 और ये होगा अपना यहाँ पर ऐसे करके 20। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लेना है, फिर इसको ऐसे करने के बाद पूरा ऐसे कवर कर देना है इस तरीके से। देख सकते हो गाइस ऐसे करके अपन को इधर पूरा कवर कर देना है। भाई आप लोग देख सकते हो ऐसे करके अपन को पूरा अपन को क्या करना है कि ऐसे करके यू करके अपन को ब्लॉक डिक कर लेना है। यहाँ पर अपन लोग को यहाँ पर इस तरीके से फ्लैशिंग टेबल जो होती है उनको यहाँ पर ऐसे लगा देना है और इधर भी काम करना है इस तरीके से। यहाँ पर अपन लोगों को कुल 20 फ्लैशिंग टेबल्स लगानी है और यहाँ पर ऐसे करके 6 5 और 5 10 और 2 ऊपर तो 12 13 14 15 16 और 17 18 19 और ये हो गया 20। तो यहाँ पर ऐसा करके यूँ यूँ ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर अपन लोगों को ऐसे करके फ्लैचिंग टेबल लगा देंगे गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लैचिंग टेबल लगा दिया। हाँ
कवर कर देने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसे कवर कर देने के बाद अपन को क्या करना है, नीचे जाना है और मैप इसे अपन को कवर करने के बाद क्या करना है, आप इधर या इधर किधर भी वाटर का किल लेंगे आप लोगों को और इधर भी सॉरी गाइस गलती हो चुकी है, ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले अपन को ऊपर आने आना थोड़ा सा, हाँ ऊपर आने और उसके बाद ये वाले जो ये एक ब्लॉक अपन को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसे भी अपन को डिक करना होगा पूरा इस तरीके से, तो इसे डिक करना है फिर उसके बाद वाटर बकेट लगानी है आप लोगों को बताते हैं, इसे डिक कर बताऊंगा गाइस पहले तो आपको, तो गाइस फार्म को बड़ा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर वाटर बकेट, ओ भाई साहब गाइस आप लोग देख सकते हो दो दो गोलम स्पॉन हो चुके हैं गाइस अपने आप, तो गाइस अभी से अपना फार्म वर्क करना स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर वाटर बकेट डाल देनी है, थोड़ा तो एक बार हट जाओ भाई, यहाँ पर एक जगह शॉट मिलते हैं जाएंगे नहीं तब तक यहाँ तो के भूत हैं, यहाँ पर रख देगा भाई, यहाँ पर ब्लॉक लेना और यहाँ पर प्लेस कर देना, हट जाओ यार, गाइस यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया, और फिर यहाँ पर तो गाइस ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक लगा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक टनल से बना देनी जहाँ से आके आप वो ले पाओगे आयरन, हाँ तो ऐसे करके एक टनल से बना देंगे और फिर यहाँ पर आके दो ब्लॉक डिक करने और ऊपर भी, और फिर एक चेस्ट लेनी है आप लोगों को, हाँ गाइस यहाँ पर आके ऐसे दो चेस्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद इस वाले ब्लॉक को डिक करेंगे और हॉपर लेके और इधर इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे, फिर ग्रास लेंगे ब्लॉक, फिर उसको यहाँ पर लगा के और जो भी ब्लॉक लिया है आपने उसको यहाँ पर लगा देना, और फिर जो स्लैब है उसको यहाँ पर लगा देना, तो गाइस यहाँ पर ऐसे स्लैब लगा देना ऊपर की साइड, और पहला जो साइन बोर्ड होगा उसको यहाँ पर और लगा देना उसको, और दूसरे को यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक जो आपने ब्लॉक लिया था उस वाले ब्लॉक को लेके यहाँ पर लगा देना है, और जो फेंस गेट है उसको यहाँ पर लगा के ओपन कर देना है, और फिर आप लोगों को लावा बकेट लेनी है और उसको इस वाले ब्लॉक को लगा देना है, और फिर जो भी ये वाले ब्लॉक होंगे उनको आप लोगों को तोड़ देना ऐसे करके, और फिर आप लोग देख सकते हो जो फार्म में बढ़िया से काम करना है शुरू हो जाएगा, और गाइस मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ आयरन लेके,
आगे जा पे भी देख सकते हो, यहाँ पर आयरन आना स्टार्ट हो चुका है, आने वाला है, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो गाइस ऐसे करके आप लोगों का जो है आयरन आ जाएगा उधर, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर कुछ है आयरन आ जाएगा, अब तक आगे होगा वहाँ पर। तो हाँ गाइस, अगर आप लोग को ये वाला फार्म अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना इस फार्म को। तो हाँ गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलता है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और आप कमेंट्स में बता दिया करो यार गाइस कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। तो बाय बाय गाइस।